हाय गाइस, आज मैं आपके सामने करने जा रही हूँ रक्षाबंधन मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया अपने फेस को क्लीन। ये मौसम चिपचिपा है तो मैं कितना भी फेस को क्लीन करूँ, वॉश करूँ, वो ऑयली ऑयली दिखने लगा है फेस। तो इस बात पे आप मत जाना, इग्नोर करना। मैं अभी फेस धो के आई हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ डोटेन की का टोनर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, मैंने इसको मंगवाया है मैं अमेजोन से। तो उसको लेके थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और ये बॉटल बहुत ही क्यूट सी है, बट इसमें एक कमी है कि इसमें स्प्रे नहीं दिया गया है। स्प्रे से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और वो ईजिली आप स्प्रे करते हो तो मैंने इसका आधा खाली स्प्रे बॉटल थी मेरे पास तो मैंने उसमें डाल दी है। इसको अच्छे से लगा के और अपन इसको नॉर्मली सूखने देंगे, 2 मिनट में सूख जाएगा, उसके बाद हम आगे का मेकअप स्टार्ट करेंगे। अच्छे से लगा के ये लगा रही हूँ मैं मॉइस्चराइज़र। ये एलो सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, बहुत ही लाइट वेट है। इसका एक टब ऑलरेडी मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, ये दूसरा भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, नहीं करता। तो ये इस गंदी वाली गर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, या फिर जिसकी ऑयली स्किन हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि फ़िलहाल मेरी ऑयली ही हो रही है स्किन। तो ये लगा लिया मैंने मॉइस्चराइज़र। ये लगा रही हूँ मिलोन का फेस प्राइमर, 24 के गोल्ड है ये। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है और कोई भी मेकअप करने से पहले आपको प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और मैं प्राइमर से क्या है, आपकी जो पोर्स है ना वो ज़्यादा दिखते नहीं हैं और मिनिमाइज़ हो जाते हैं और आपका जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छा सा ग्लोई बनता है और काफ़ी देर तक स्टे भी करता है। तो इसको अच्छे से लगा लेंगे। ये ले रही हूँ मिस एडियस की बीबी क्रीम, काफ़ी अच्छी है ये। और ये सबसे ज़्यादा अच्छी इसलिए भी है कि आपके जो भी स्पॉट वगैरह हों, तिल वगैरह हों, तो ये बहुत अच्छे से उनको हाइड कर देती है गाइस, और बहुत कम क्वांटिटी लेनी। और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी और ये मैंने पहले इसको पानी में डिप किया, स्क्वीज किया और ये वेट, इसको अच्छे से गाइज़। ये आँखों के पास थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और ले लूँगी, थोड़ा सा नेक पे भी लगा लेंगे। आप कभी भी मेकअप करें तो अपनी नेक को मत भूला करो, वरना ये हिस्सा अलग लगता है और ये फिर अलग से ही दिखने लगती है। पाउडर है ये, और ये इसमें से ये वाला लेके मैं इसी को लगा लूँगी। मुझे पूरी पैलेट में से और जो गोल्डन हाइलाइटर था उसमें से ये दोनों मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर्सनली बता रही हूँ, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा ये लगा लेती हूँ, ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगता है, कैमरे में शायद लग रहा हो, बट ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हाइलाइटर है तो बहुत ही प्यारा देगा लुक, देख सकते हो आप, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, थोड़ा
क्योंकि रक्षाबंधन मेकअप है तो ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूँगी, और स्किन इतनी ऑयली हो रही है कि वो ऑलरेडी इसे हाईलाइट कर रहा है फेस। और ये लगा रही हूँ मस्कारा, लगा रही हूँ बियॉन की ही लिपस्टिक। गाइस अब आईब्रो को फिट कर लेते हैं हल्का सा, ये मेरा फाइनल लुक रक्षाबंधन लुक। आप इसको किसी भी फेस्टिवल पे कर सकते हैं, अब तो बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, जुड़ने के आप इसको रक्षाबंधन पे करें, कभी भी कर सकते हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं। और ज़्यादा हार्श नहीं है मेकअप और ज़्यादा लाइट भी नहीं है, नॉर्मल सा ही मेकअप किया है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इस वजह से आपको ज़्यादा ही लग रहा होगा, बट मैंने बिल्कुल ही सिंपल ही मेकअप किया है, ज़्यादा हैवी नहीं किया है। और एक बात कि अगर आप लोगों को मेकअप सीखना है तो मैं आपको सेल्फ मेकअप सिखाऊंगी, सेल्फ केयर सिखाऊंगी, जैसे कि खुद की ब्लीच करना, हाथों पे ब्लीच करना, पैरों पे ब्लीच करना, पैरों को क्लीन करना। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्या क्या सीखना है या आप क्या देखना चाहते हो, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी।